नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कुछ हटके। हमारा आज का टॉपिक भारत और चीन के बीच होने वाले आर्थिक व्यवहारों के बारे में होने वाला है। इस वीडियो में हम जान लेंगे कि किस प्रकार चीन भारत के बाजारों पर धीरे धीरे डोमिनेट कर रहा है और किन किन क्षेत्रों में वो अपनी बड़ी हिस्सेदारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि चीन दुनिया का नंबर वन ट्रेडिंग नेशन है, जहां हर साल चीन उनके इकोनॉमी के 18% जितना व्यापार करता है। भारत का नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर भी चीन ही है, जहां भारत चीन से आज तक 95 बिलियन का इंपोर्ट कर चुका है और लगभग 600 इंडियन कंपनियों में चीन हर साल 3 बिलियन जितना पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब ये कि इन 600 कंपनियों के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पिछले कई सालों से चीन में जा रहा है। चीन की इसी अप्रोच की वजह से भारत का जीडीपी पर कैपिटा का जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना हो नहीं रहा है। भारत के पूरे इकोनॉमी का कितना हिस्सा भारत के हर एक नागरिक को आता है, इस आंकड़े को जीडीपी पर कैपिटा कहते हैं। इस जीडीपी पर कैपिटा का रेट तभी बढ़ता है जब भारत का पैसा भारत में ही खर्च हो, लेकिन इस रेट में भारत का दुनिया में 139 नंबर आता है, जो कि काफ़ी खराब है और उसका सबसे बड़ा कारण चीन रह चुका है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा चीन ने भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में बिजनेस कर उनके अपने देश की इकोनॉमी को सुधारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. भारत का पिछले 7-8 सालों में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ने की सबसे बड़ी वजह चाइना है। चाइना का भारत के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा है, जहाँ चाइना का भारत के 72% ऑफ स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा रहा है। भारत में स्मार्टफोन का मार्केट 2,00,000 करोड़ रुपयों का है, जिससे चाइना काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है। Xiaomi, Vivo, Realme, Oppo इन जैसे बड़े चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड ने भारत में बहुत सारा व्यापार किया है। शायद आपको पता ना हो, चाइना अब तक स्मार्टफोन के 158 मिलियन ऑफ यूनिट भारत में शिफ्ट कर चुका है। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को संभालना है तो भारत के स्मार्टफोन ब्रांड्स पर हमें ध्यान देना होगा और नई स्मार्टफोन स्टार्टअप्स पर भरोसा रखना होगा, तब जाके वो कंपनीज आगे बढ़कर बड़ा ब्रांड बन सकेगी। 2. चाइना भारत को बहुत बड़ी मात्रा में मशीनरीज, इंजिन्स, पंप्स आदियों का भी काफ़ी सप्लाई करता है, जहाँ हर साल चाइना 9.8 बिलियन US डॉलर का बिजनेस कर लेता है। चाइना से इतना इम्पोर्ट करने का मुख्य कारण यह है कि चाइना अपना जो भी प्रोडक्ट भारतीय बाजार में लाता है वो बहुत कम दाम में बिकता है और वो लार्ज क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए वो इतना प्रॉफिट कमाने में सफल होते हैं। 3. डिजिटल सेक्टर में भी चाइना भारत से बहुत आगे निकल चुका है। चाइना की इकोनॉमी बढ़ने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि चाइना ने भारत की बहुत सारी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है और इसलिए उन कंपनीज का कुछ प्रॉफिट चाइना को भी मिलता है। बिग बास्केट, बायजूस, ड्रीम इलेवन, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान, जोमेटो इन जैसी कई कंपनीज में चाइना के बिजनेसमैन का काफ़ी बड़ा शेयर है। इस समस्या को लेकर हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, जहां गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिटेशंस पॉलिसी बनाई है, जिसमें चाइना को भी शामिल किया गया है। 4. दुनिया का लगभग 50% स्टील चाइना में ही बनता है और हर साल चाइना भारत को 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का स्टील एक्सपोर्ट करता है। चाइना का इतना सारा प्रोडक्शन होने की वजह वहाँ के क्वालिटी लेबर्स भी है। वहाँ के लोग अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, इसलिए वो इतना प्रोडक्शन कर लेते हैं। भारत को भी प्रोडक्टिव होना हो तो अपने देश के लेबर्स की स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस करना होगा, तभी हम अच्छे प्रोडक्टिव हो सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा सकते हैं। 5. भारत के मेडिकल फील्ड में भी चाइना की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। चाइना लगभग 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार भारत से कर चुका है, जहां भारत चाइना से अलग अलग मेडिकल फैसिलिटीज, टेक्निकल इक्विपमेंट्स का इंपोर्ट करता है। इसके विपरीत अगर हम भारत के मेडिकल प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ये भारत के ही इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है। 6. भारत की प्लास्टिक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो भारत के लगभग 70% प्लास्टिक प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट होते हैं। आप जान के हैरान होंगे कि दुनिया के 7% प्लास्टिक के खिलौने चाइना में बनाता है। लगभग 14,00,000 के अलग अलग प्लास्टिक प्रोडक्ट्स अकेला चाइना बना लेता है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उनकी प्लास्टिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। चाइना उनके इस बड़े व्यापार की सबसे बड़ी वजह बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मानता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होने की वजह से उन्हें प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन में कोई परेशानी नहीं आती, जैसे कि उनके एयरपोर्ट, रेलवे लाइंस, हाईवेज, पोर्ट्स दुनिया में सबसे अच्छे हैं, इसलिए चाइना को फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की लिस्ट में सबसे अव्वल माना जाता है। अगर भारत ने भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा काम किया तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। 7. चाइना के कई सारे केमिकल इंडस्ट्रीज भी व्यापार में पीछे नहीं है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी चीन का बहुत बड़ा हिस्सा रह चुका है। 2019 में चाइना ने भारत को 1.57 बिलियन यूएस डॉलर के पेस्टिसाइड्स एक्सपोर्ट किए थे और भारत का इंपोर्ट रेट भी पिछले कई सालों से बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर भारत के किसानों ने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम इस व्यापार को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं और अपने देश की इकोनॉमी बढ़ा सकते हैं। 8. चाइना के सक्सेस का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ की इंडस्ट्रीज रिवर्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इस्तेमाल करती है। वो दूसरे देश के बनाए गए प्रोडक्ट आइडिया की डिटेल एनालिसिस करते हैं और फिर उनका बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन शुरू करते हैं, इसलिए वो इतना सक्सेसफुल हो पाते हैं। 1980 में उनका जीडीपी पर कैपिटा $155 इतना था, लेकिन व्यापार में माइलस्टोन हासिल करने की वजह से आज उनका जीडीपी पर कैपिटा $10,000 बन चुका है। इसी वजह से चाइना के 80 करोड़ गरीब लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। 9.
चाइना इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी भारत से काफी आगे है। हमारे देश का टेलीविजन बाजार 25,000 करोड़ रुपयों का है, उसमें से 42 से लेकर 45 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी चाइना की ही है। इस मार्केट सेगमेंट में हम चीनी माल से निजात पा सकते हैं, लेकिन वो हमें बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि हमारे टेलीविजन चाइना के टेलीविजन से मुकाबले 30 से 40 प्रतिशत महंगे है। टेलीविजन ही नहीं बल्कि हमारे कई सारे इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेस पर भी चाइना का ही दबदबा है। होम अप्लायंसेस का मार्केट साइज 50,000 करोड़ रुपयों का है और इसमें भी चाइना की 10 से 15% हिस्सेदारी है। अगर कोई बड़ी चाइनीज कंपनी अगर सस्ते उत्पादन में उतरती है तो भारत के लिए काफी मुश्किलें हो सकती है। 10. भारत चीन से हर साल बहुत बड़ी मात्रा में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स खरीदता है और उन पार्ट्स का इस्तेमाल भारत ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में करता है। उस पार्ट्स को इतनी बड़ी मात्रा में खरीदने की वजह यही है कि चाइना काफी कम दाम पर उन पार्ट्स को इंडियन इंडस्ट्रीज को बेचता है। भारत में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का व्यापार लगभग 4 लाख करोड़ रुपयों का है, उसमें से भी चीन की हिस्सेदारी 26% है, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के स्पेयर पार्ट्स का व्यापार भारत चीन से करता है। अगर भारत के इन्वेस्टर्स भारत में शुरू किए गए स्टार्टअप्स में इंटरेस्ट रखेंगे, उनके ही बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे और अगर हमें जरूर लगने वाले प्रोडक्ट्स अपने देश में ही बनाना शुरू करेंगे तो जरूर हम जल्द ही चाइना के आगे निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अलविदा।